आज हम बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े चोरी के बारे में। इस चोरी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं साल 2005 में ब्राजील के फोर्टिलिया बानको सेंट्रल में हुई चोरी के बारे में। बानको सेंट्रल जो ब्राजील का सेंट्रल बैंक है। इस चोरी को बर्दात को अंजाम देने के लिए 25 बदमाशों ने एक टीम बनाई थी। इन लोगों ने फर्जी लैंडस्केपिंग का व्यापार शुरू किया। इसी के जरिए बताया जाता है कि इन लोगों ने 3 महीने के अंदर में 256 फीट का सुरंग खोदा। यह सुरंग बैंक तक जाती थी। साल 2005 में इन सुरंग के जरिए इन लोगों ने 450 करोड़ रुपए बैंक में घुसकर चुराया। बताया जाता है कि इस गैंग के सदस्य किडनैपिंग जैसे जुर्म को भी अंजाम दे चुके हैं। लुइस फर्नैंडो रोबेरियर को इस बैंक चोरी का मास्टरमाइंड माना जाता है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आप में कई रहस्य को संजोए हुए, इसका राज कभी नहीं खुल सके। ऐसे ही एक रहस्य विशाल काय नीली आंखें का रहस्य, जो अपनी अद्भुत कलाकृति के कारण अंतरिक्ष से भी नजर आता है। वैसे भी दुनिया में पाए जाने वाले हर अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाना, हालांकि विज्ञान का तथ्य इस थ्योरी से लेकर कुछ अलग है। वैज्ञानिकों ने लंबी खोज के बाद इस तरह के कासे लगाया है। उनके अनुसार सहारा का यह पूरा इलाका समुद्र से ढका हुआ। धीरे धीरे होने वाले बदलाव के कारण यह इलाका दुनिया का सबसे बड़े रेगिस्तान में बदल गया, और जो इलाका बचा वो पानी से सिकुड़ कर स्वरूप के चलते रेत और पानी के मिलकर एक आकृति में तब्दील हो गया। इस तरह के कई आकृति पृथ्वी के दूसरे हिस्से में भी नजर आ, जिसमें बेलियम का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। आखिर हीरा चाटने से होता क्या है? आम धारणा यही है कि हीरा चाटने और निगलने से मौत हो जाती है। इस धारणा को फिल्म में भी प्रचलित किया गया, लेकिन यह सच नहीं है। हीरा जितना चाहे चाट लो, यह जहरीला नहीं होता, क्योंकि हीरा कार्बन का होता है और ऑर्गेनिक कार्बन को हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन हीरे को निगलने पर कुछ परिस्थितियों में मौत हो सकती है, उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। अगर किसी ने हीरा निगल लिया तो इस बात पर निर्भर करता है कि तरासते समय उसके किनारे कितने तीखे रखे गए हैं। ठीक से नहीं तरासे गए हीरे को निगलने से उसका नोकीला भाग आहार नली और आंत को जख्मी कर सकता है। इससे अंदरूनी रक्त प्रभाव होगा और समय से उपचार नहीं मिलने पर मौत संभव। हीरे को चबाना संभव नहीं है, लेकिन उसे कूट कर फांक लिया जाए तो उसके टुकड़े कांच की तरह हो जाते हैं। अंदरूनी गहरे जख्म भी दे सकता है और मौत का कारण भी हो। लोगों का यह भ्रम है कि हीरा चाटने से इंसान की मौत होती है। मछली के साथ दूध पीना चाहिए या नहीं? भोजन में मछली के साथ दूध का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई अभी तक वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे फूड पॉइजनिंग बीटी लिवर नामक चर्म रोग हो सकती है। कई जगहों पर खाने में नमक या मसाले के साथ दूध का इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार दूध में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो नमक यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करे और हमारी सेहत को हानिकारक पहुंचाए। दूध से नुकसान अक्सर दो स्थिति में होते हैं, या तो आपको डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर लैक्टिक एलर्जी या दूध का उत्पादन की डेयरी से एलर्जी हो। दुनिया में हजारों छोटे छोटे झरने हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के बेनिनजुला में एक झरना है। यह 979 मीटर यानी 3212 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा निर्वात जलप्रपात। 20वीं सदी के मध्य में जलप्रपात को एंजल फोर्ट के रूप में जाना जाता था। कैनेमा नेशनल पार्क में आयान टापू पर्वत के किनारे यह झरना गिरता है, जो ग्रैंड सवाना में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। एंजल फॉल्स का अधिकांश पानी अंटार्कटिक महासागर में अपनी यात्रा शुरू करता है। वहां उत्तरी पूर्वी हवाओं से शुष्क हवा समुद्र की सतह से पानी का बाष्पीकरण करती है और इसे दक्षिण अमेरिका की ओर ले जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब।